नए कृषि कानूनों के खिलाफ 34 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच में सुशील मोदी का ये बयान सरकार की मेहनत पर पानी फेर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर अरुण जेटली जी जिंदा होते तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो या किसान के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई न कोई हल निकालने में सक्षम होते। बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी दिवंगत अरुण जेटली के जन्मदिन के मौके पर उन्हें याद कर रहे थे, लेकिन 13 सेकंड में जो बात उन्होंने कही वो सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। गतिरोध इसलिए बना हुआ है क्योंकि किसान नए कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गतिरोध दूर करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री कृषि कानून का फायदा बता चुके हैं। अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, किसानों के सामने एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन को लेकर विरोधी सरकार पर कोई हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर अरुण जेटली जी जिंदा होते तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो या किसान के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई न कोई हल निकालने में सक्षम होते। वैसे में सुशील मोदी का ये बयान विपक्ष को बोलने का एक और मौका दे सकता है। सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी। नीतीश तो सीएम बन गए लेकिन सुशील मोदी को डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं मिली। राज्यसभा के रास्ते अब उन्हें केंद्र में बुलाने की तैयारी है। कहा तो जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर सवाल उठाना उन्हें विवादों में डाल सकता है। ABP News आपको रखे आगे।